वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 50 अरब डॉलर कृषि निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएगा और इसमें मोटे अनाज जैसे कि चावल और गेहूं, समुद्री खाद्यों, मसालों व चीनी की मुख्य भूमिका होगी। वित्त वर्ष 2023 में गेहूं के निर्यात को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि 1 करोड़ टन से ज़्यादा निर्यात का लक्ष्य हासिल किए जाने योग्य है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार को अभी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात 2 गुना होकर करीब 1.5 करोड़ टन हो जाएगा, जो वित्त वर्ष 2022 में 7 करोड़ टन था। पीयूष गोयल ने कहा कि ज़्यादा कृषि उत्पादों के निर्यात से भारत के किसानों की क्षमता का पता चलता है, जो 1.35 अरब आबादी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और उसके बाद अतिरिक्त उत्पाद का निर्यात शेष दुनिया को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च 2021 तक कुल कृषि निर्यात करीब 40.35 अरब डॉलर था, जो 21 मार्च 2022 को ही 48.49 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 10 दिन में निर्यात 50 अरब डॉलर पार कर जाएगा। गेहूं निर्यात के बारे में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गेहूं निर्यात के बड़े केंद्र बनकर उभर रहे हैं और राज्य सरकारें सक्रियता से निर्यात को प्रोत्साहन दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।